हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं, उन भाइयों ने काफ़ी कमेंट किए हैं हमारे पास और आते ही रहते हैं कमेंट के, भाई हमें ये बताइए हम अपने कफ़ील को किस तरीके से उसका स्टेटस चेक करें, वो रेड में या ग्रीन में, या कंपनी है कोई सी भी सऊदी में तो उसको किस तरीके से चेक करें कि वो ग्रीन में है रेड में है, हम आगे क्या करें, हम अपने कफ़ील का किस तरीके से या कंपनी को किस तरीके से चेक करें। तो काफ़ी कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, पर मैं इग्नोर कर देता था कमेंट को, रिप्लाई तो दे देता था मैं, पर मैं वीडियो नहीं बनाई थी इस पर कभी मैंने, क्योंकि मुझे ये पता था, क्योंकि मैं भी सऊदी में रहता हूँ, कि सभी भाइयों को ये पता है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जिस भाई को नहीं पता तो ये वीडियो देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन है, और अपना अकाउंट नंबर से, सिर्फ आपको कुछ नहीं चाहिए, अपना अकाउंट नंबर चाहिए, और आप अपने आराम से साथ चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी रेड में है, येलो में है, ग्रीन में है, या फिर वो ग्रे कलर में, जिस कलर में, चार कलर हैं, जिस कलर में होगी वो आपको दिखा देगा कि आपका कंपनी का स्टेटस कौन से कलर का है, लिखा हुआ भी आएगा, टिक भी आएगी, और अपने कफ़ील को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और बस उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद करना क्या है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ पर इस पर वेबसाइट पर खोलने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो ये आपसे जब आओगे फर्स्ट में, तो ये आपको बताएगी यहाँ पर कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये अरबी में होएगी, मैंने इंग्लिश में करा है। आप क्रोम ब्राउज़र में खोलोगे तो अरबी और इंग्लिश आप कर सकते हो, ये पहले अरबी में इस तरीके से होएगी। तो जो भाई को अरबी आती है वो तो पता कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ अरबी वाले को। तो यहाँ लू जो है, इस पर आपको अपना अकामा नंबर डालना है। अकामा नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चर है इसको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद ये यहाँ पर आपको पहले ही आपको यहाँ पे अपनी कंट्री चॉइस कर लेनी है। इस तरीके से कंट्री चॉइस कर लेना और यहाँ पे लिख देना अरबी में नाम, या फिर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे अरबी वाले सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई सी भी कंट्री का स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री। उसके बाद आप पे यहाँ पे है, ये यहाँ पे बहस लिखा हुआ है, बहस बहस जो लिखा हुआ है बहस, तो इस पर क्लिक करना है बहस पे, तो ये आपके पास इटेसर आ जाएगा सारा ही अरबी में। अब मैं आपको इंग्लिश का बताता हूँ, इंग्लिश में करके दिखाऊंगा आपको लाइव। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में आ गया, तो इंग्लिश में ये बॉर्डर नंबर बता रहा है और यहाँ पर नंबर बता रहा है, पासपोर्ट नंबर। तो आपको पासपोर्ट नंबर, बॉर्डर नंबर नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर डालना है। तो मैं अपना नंबर डाल के दिखाता हूँ, ये मेरा नंबर है एकामे का, और यहाँ पे पासपोर्ट ये कुछ नहीं करना, और सिलेक्ट कंट्री करनी है। तो सिलेक्ट कंट्री जो ये है यहाँ पे आपको, तो मैं अभी अपनी कंट्री सिलेक्ट करता हूँ इंडिया की, यहाँ पे ये मैं इंडिया, इसमें इंडिया नहीं होगा, इंडियन आएगा लिखा हुआ, तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे अरबी में सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको वहाँ पर, तो यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है आपको, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 7309 3 2, थोड़ा सा डिफरेंट होगा आएगा आपके पास यहाँ पे, तो आप सही तरीके से डालना, कोई स्पेस नहीं देना, आपको इस तरीके से डालना जिस तरीके से मैं डालना, आपके पास नंबर अलग आएंगे, और फिर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ थोड़ी सी देर में आपके पास सारा ही आपकी जो है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, वर्किंग नंबर भी आ गया, नेम भी आ गया, लाइसेंस भी आ गया, और यहाँ पे वैलिडिटी भी, और यहाँ पे ऑन द जॉब, यानी कि मैं जॉब पे हूँ ये बता रहा है यहाँ पे, और कंपनी रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज ग्रीन, यानी कि हमारी कंपनी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एवरेज ग्रीन है, यानी कि हमारी कंपनी ग्रीन में है। अगर जी येलो में होती तो एवरेज येलो बताती, और रेड में होती तो एवरेज रेड बताती, और ग्रे में होती तो एवरेज ग्रे में बताती। रेड का आपको पता ही है, कंपनी रेड में होती है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती, और येलो में होती है तो कंपनी वीज़ा नहीं निकाल सकती, बाकी सारा काम कर सकती है, और ग्रे में जो है आपको, तो ग्रे में तो आधा आधा काम कर सकती है, आधा आधा सारा काम कर सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी को चेक कर सकते हैं, जॉब को क्या चेक कर सकते हैं, और जो भाई यहाँ से चले गए हैं जैसे कि इंडिया में, वो अपना अकामा चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऑन द जॉब आ रहा है, ऑफ़ द जॉब आएगा यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पर ऑन हूँ जॉब पर, तो मेरा ऑफ ऑन बता रहा है। तो आपके ही सबके अकाउंट में जिस तरीके से होंगे, अगर ये आप कफ़ील के पास होंगे तो वो यहाँ भी कफ़ील का ही नाम बताएगा आपका, जो भी कफ़ील होगा कि आपका कफ़ील रेड में है, ग्रीन में है, या जो भी है, जैसे भी यहाँ पे बता देगा आपका, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो भाई को नहीं पता था कि किस तरीके से चेक करते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट अपनी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आ जाओगे, और इसी तरीके से ये डालना, अरबी में भी है और इंग्लिश में भी है। बस ये है कि अगर जी आप किसी और ब्राउज़र में खोलोगे तो अरबी में आएगा सारा, इंग्लिश में नहीं आ सकता, और क्रोम ब्राउज़र में खोलोगे तो आप दोनों ही चॉइस कर सकते हो, अरबी में या इंग्लिश में, जो आपका दिल करे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक तो ठोकी दो दोस्तों यार।
थोक दो यार दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।